जय माँ भगवती, माँ सिद्धिदात्री, देती है सिद्धि और मोक्ष। नव दुर्गा का नवा दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। माँ की नवी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। अपने इस विग्रह स्वरूप से माँ अपने भक्तों को ब्रह्मांड की सभी सिद्धियाँ प्रदान करती हैं। भगवान शिव ने भी उनके इसी रूप की कृपा से सिद्धियों को प्राप्त किया था, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ और वे लोक में अर्धनारीश्वर के रूप में स्थापित हुए। नवरात्र पूजन के नवे दिन भक्त और योगी साधक माँ के इसी रूप की शास्त्रीय विधि विधान से पूजा करते हैं, जो कि चतुर्भुज और सिंहवाहिनी है। गति के समय माँ सिंह पर तथा अचला रूप में कमल पुष्प के शासन पर बैठती हैं। माँ के एक ओर के हाथ में चक्र और दूसरे हाथ में गदा रहता है, वहीं दूसरी ओर के एक हाथ में शंख और दूसरे हाथ में कमल पुष्प विद्यमान है। नवरात्र के सिर्फ नवें दिन भी यदि कोई भक्त एकाग्रता और निष्ठा से माँ की विधिवत पूजा करता है तो उसे सभी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। सृष्टि में भक्त के लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता और शत्रुओं पर पूर्ण विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य उसमें आ जाता है। साथ ही माँ की कृपा करने वाले साधक की तभी लौकिक तथा परालौकिक कामनाएं की पूर्ति हो जाती है। माँ सिद्धिदात्री को कैसे प्रसन्न करें? नवरात्र के नवे दिन माँ की नवी शक्ति की पूजा अर्चना कर उन्हें विभिन्न प्रकार के अनाज जैसे कि हलवा, पूरी, चना, खीर, पुए आदि का भोग लगाने से माँ जीवन में सभी प्रकार की सुख शांति का वरदान देती हैं। जय माँ भगवती, जय माँ सिद्धिदात्री।